Test. Test. Yeah.
एक पल विच सावार करा तू जावे दे मैनू छड के मौत दा इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ जो तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहती हूँ जो तू कभी सोच ना जिंदगी अब मुझको जाना है कहाँ तू ही सफर है आखिरी तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं ना देना कभी मुझको तू फासले मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझे पे ही सांस आके रुकी मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके मैनू पता के दुनिया नू ए गवारा नहीं हो सकदा पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दुबारा नहीं हो सकदा पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दुबारा नहीं हो सकदा तू मैनू पूछ ना कोई सवाल चल दूर किथे मेरे नाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं वो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं वो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फिलहाल मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं ए गलते गलत है जो भी कह रहे आ जानी पर ए भी देख तेरे बिन किंज मर रहे आ जानी मर जांगे ले संभाल मर जांगे ले संभाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप सब और मैं आपकी होस्ट सना हाशमी सुहेल यस आई एम द सेम सना या यू नो मी दोज हु आर माय रेगुलर लिसनर्स दे डेफिनेटली नो This is me. Wow. अच्छा और कुछ हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे नए नए कुछ लिसनर्स आ रहे हैं जनाब आप सबकी इनायत है कि आप लोग literally it's just because of you people I'm doing this show because initially when it started it's gonna be a year now yeah तो जब मैंने शो स्टार्ट किया था तो I was not like very much sure कि यार इज इट गोना वर्क शुड आई डू वुड आई बी एबल टू कंटिन्यू
क्योंकि होता क्या है जब आप रेडियो कर रहे होते हैं ना, तो मतलब ऑब्वियसली अदरवाइज व्हेन यू आर डूइंग रेडियो ऑन सम चैनल, तो वहां तो आपको पता लग रहा होता है कि यार वाओ यू आर डूइंग इट ऑन द चैनल, बट व्हेन यू आर डूइंग रेडियो ऑन द वेब, यस उस टाइम पर थोड़ा सा ये होता है कि यार अगर लिसनर्स की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मोरल होता है ना वो नीचे आना शुरू हो जाता है. तो मुझे इनिशियली इट वाज रियली मतलब लाइक मेरा वाकई में कंसर्न था, ऑब्वियसली व्हाई वुड आई लाइक टू कम ऑन द माइक एंड टॉकिंग एंड यू नो आई डोंट हैव गुड लिसनर्स स्ट्रेंथ. एंड टू माई सरप्राइज फ्रॉम द डे वन थैंक यू अलामिया के मुझे इतने सारे मतलब यू नो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा टर्नओवर रहेगा, कि जब कभी भी लाइक लिटरली व्हेन आई कम ऑन द माइक उससे पहले ही मैं देखती हूँ माशाल्लाह से आप लोगों ने ट्यून इन किया हुआ होता है रेडियो, और मुझे वो लिसनर्स की स्ट्रेंथ तो पता चलती रहती है. तो मुझे मैसेजेस आना शुरू जाते हैं, कभी मैं बहुत टाइम तक माइक पर नहीं आ रही थी, बट आर यू ओके राइट नाउ वेयर आई वाज, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड है शी इज इन कनाडा, तो वो मुझे मैसेज करके बोलती है कि तुम कितनी देर से मतलब वेट करा रही हो, कब से गाने सुन रहे हो तुम, कब माइक पर. तो अब देखा हालात ही होंगे, मैं अपनी दोस्तों से भी बात ना रेडियो के थ्रू कर रही होती. इनफैक्ट दिस इज सो ट्रू. मेरे जो साहब हैं तो वो भी कहते हैं कि मैंने जिस सना से शादी की थी ना, तो जिस सना से शादी की थी वो मुझे सिर्फ रेडियो पे सुनाई देती है. एंड ऑफन टाइम्स लाइक इवन व्हेन ही इज एट होम ही ट्यून इन माय रेडियो एंड ही वांट्स टू लिसन टू माय रेडियो एंड ही वुड से कि ये मेरी बीवी. अच्छा अदरवाइज लाइक व्हेन आई एम ऑफ द माइक एंड आई एम लाइक आई डोंट नो अकॉर्डिंग टू हिम, मैं आपको बताऊं मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती, लेकिन साहब कहते हैं कि मैं जब माइक पर नहीं होती हूँ तो बहुत डिफरेंट होती हूँ, और जब यू नो व्हेन आई एम ऑन द माइक आई एम एंटायरली डिफरेंट पर्सन. मेबी रियली इट्स लाइक दैट, बट यस रेडियो इज लाइक वाओ, आई लव रेडियो, मुझे बहुत पसंद है. In fact, when I was going to 107.4 and I so much just wanted to continue, na, matlab like kitna ghar mein kaam ho, bahut saari cheeze ho, obviously when you have to take care of so many things, so I would say no, I have to rush, mujhe jana hi hai, to matlab koi bhi cheez hogi na, main in fact I remember 103 mein bhi yahi hota tha. मैं बड़ा परसिस्टेंटली रेडियो को फॉलो करती थी. आई वुड नॉट मतलब फॉर मी इट वॉज मुझे वो मेरे लिए ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे ऑक्सीजन मिलती थी, तो मैं कभी भी ना इट्स जस्ट द एनवायरमेंट, वो मुझे इतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से फिल इन कर देता था कि मुझे कभी लगता ही नहीं था ना मतलब आई वुड डू. इनफैक्ट कभी कभी जैसे तो जबरदस्त किस्म की रेन हो रही है, आई हैव टू रश, मैं 103 पे पहुंची हूँ, मुझे मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक भी शो मिस करती ना तो मुझे पता नहीं क्या. तो सेम वॉज ऑन 107.4 एज वेल, आई वुड नॉट वॉन्ट टू मिस. और अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत अभी जा नहीं पा रही हूँ. आई विश इंशाल्लाह वेरी सून इफ पॉसिबल आई वुड लव टू गो बैक ऑन 107.4. मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो करना. तो खैर अच्छा हुआ यही था क्योंकि एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मैं रेडियो से दूर थी, तो मेरे मियाँ जी ने ये कहा कि देखो तुम्हारा मिजाज जो है ना वो दूसरी तरफ ज्यादा जा रहा है, सो आई वुड सजेस्ट कि तुम वेब रेडियो शुरू कर दो. आई वॉज लाइक नहीं यार मतलब इट्स यू नो इट्स डिफरेंट एंड ऑल. तो खैर जो मेरा अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह सिंस आई हैव वर्कड फॉर 3 इंडस्ट्रीज या 3 डाइवर्सिफाइड मतलब लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी मैं काम किया है, और फिर मैं यू नो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आपका जब बाहर का भी एक्सपोजर जाता है तो फिर आपको ये होता है कि यार सर्कल आपको बन जाता है. और एंड आई एम अ पर्सन मतलब यस आई डू हैव अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, और ये बड़ा डाइवर्सिफाइड है. और इनफैक्ट कॉन्टिनेंट मेरे जो कुछ खास किस्म के कलीग्स हैं उन्हें कहते हैं कि सना की जो फ्रेंडशिप है ना वो कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है, एंड दिस इज सो ट्रू. लाइक यस आई डू हैव फ्रेंड्स इन अफ्रीका, आई डू हैव फ्रेंड्स इन UAE, and I do have friends in US and then Canada and then Australia as well, aur ab the list goes on and on. what am I talking about? Okay, to acha mujhse kuch poochte bhi hai, to how do you maintain tum ghar mein matlab jab hoti ho uske bawajood how do you take out, aur meri in fact my own family I tell you
वो ये कहती होती हैं शुरू से, मतलब इट्स लाइक फ्रॉम इट्स ऑलवेज लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक नाउ, कि मैं जब भी ऑफिस में होती थी आई एम वर्किंग एंड तो लिटरली आई विल टेल एवरीबॉडी कि इफ यू वांट टू टॉक टू मी एंड देयर इज समथिंग वेरी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, लीव एसएमएस, आई विल रीड इट एंड गेट बैक टू यू. इट्स नेवर लाइक दिस कि समबडी इज कॉलिंग एंड आई एम पिकिंग अप द फोन एंड सेइंग हेलो. इट वाज नेवर लाइक दिस. अब मतलब अभी भी हालात वही हैं. तो मुझसे लोग कहते हैं कि यार मतलब तुम्हारे हालात तो ये हैं कि तुम दो कदम के फासले पे भी अगर फैमिली में जब भी कोई रह रहा हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तो हाउ डू यू मेंटेन दिस, मतलब यू नो इतना सारा फ्रेंड सर्कल तुम कैसे मेंटेन करके चलती हो? तो मैं कैसे मेंटेन करके चलती हूँ? आई गेस आप लोगों की मोहब्बत है. इट्स अबिली. अच्छा सॉरी वाई एम आई कटिंग. मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी ना मतलब कोई वो सी साइड पे सहरा में शो कर रही हूँ. मुझे फू 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 ऐसी क्रैकलिंग्स आ रही हैं बीच में. खैर यू विल हैव टू बेयर विद मी जस्ट फॉर अ सेकंड. और जब तक आप ये सॉन्ग सुन लीजिए. चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से, तेरे इश्क पे हक मेरा ही तो है कह दिया. ओह गॉड वायलेंस, मतलब छीन लूंगा सारी दुनिया से. अच्छा ये क्या मतलब वाकई में ऐसा होता है कि तू ना मिले? इश्क के मामलात में इतने पजासिव हो जाते हैं कि दुनिया से आपको मतलब छीन लिया जाता है. और कुछ केसेस में तो इनफैक्ट ऐसा ही होता है. बिकॉज आई टेल यू मेरे केस में भी शायद ऐसा है. लोग समझते कि मुझे दुनिया से खींच लिया गया. बट यस आई रिमेम्बर अभी जब नई नई शादी होती है ना आपके, तो मुझे माय ओन बॉस यूज्ड टू से कि अभी भी मासूम. सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते. सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या देखते देखते. वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा कह गए देखते देखते. और कोई नहीं, अलविदा वगैरह कुछ नहीं होता. इट्स नॉट लाइक दिस. मुझसे भी जब ये सवाल किया जाता है कि मैं शादी के बाद बेवफा हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है. बात बेवफाई की नहीं है. आपको इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट. सने एक सितारा हमने जमीन पे चांद बुलाया. ओके
अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी, तो हाँ शुरू शुरू में आई रिमेम्बर, अब ऑब्वियसली आपको बहुत पता नहीं होता कि लाइक, और हमारे मामले तो बिल्कुल भी मतलब स्लेट साफ थी, तो जब शादी होती है तो आप कोशिश करते हैं कि यू नो यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, और फिर अकॉर्डिंगली आप कहते हैं कि यार मुझे मतलब मुझे लगता है लाइक आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कोशिश करते हैं कि अपने आप को आप दूसरे के सांचे में ढाल लो, और जहां तक मुमकिन हो सके, और जहां मुमकिन ना हो तो बिल्कुल यस, आई पुट माई फुट डाउन, आई रियली नो वेयर आई हैव टू से नो, तो जो मेरे बस में नहीं होता है, इट्स लाइक आई एम रियली दैट ब्लंट कि मुझे जहां तक होता है मैं जरूर करती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट, और जहां मुझसे नहीं होता है आई गिव वेरी क्लियर सिग्नल टू द अदर पर्सन कि दिस इज नॉट इन माई कैपेसिटी, आई कैन नॉट. तो खैर अच्छा चले, मैं आपको बता रही थी कि शुरू शुरू की बातें हैं, तो अब लाइक आप एक थोड़े सर्टेन अंदाज से ड्रेसअप करते हैं, एक अंदाज से आप रह रहे होते हैं, और स्पेशली अ काइंड ऑफ पर्सन लाइक मी, अगर जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, तो उसको एकदम से मतलब यू नो ट्रांसफॉर्म होना ऑब्वियसली डस टेक टाइम, तो या डिस्को वॉल्यूम उसको एकदम से तब्दील हो जाने में थोड़ा टाइम लगता है. तो खैर अब मैं शुरू शुरू में आई वाज जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट कि आई शुड नॉट गिव यू नो एनी मतलब ऐसे बात ना करूँ कि जिससे मेरे साहब को कंप्लेन हो, तो आई वाज जस्ट डूइंग दैट, इट वाज जस्ट माय ओन विल, ऑब्वियसली इट वाज एनफोर्स्ड. तो आई रिमेम्बर मेरे बॉस का बड़ा क्लासिकल जुमला, ही केम इन द डिपार्टमेंट एंड ही वुड से कि अच्छा यूं करके ऐसे सबको देखे कि, और फिर एंड ही सेड वेयर इज सना, आई कैन सी हर दीज डेज, एंड ही वाज लाइक आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ कुड यू नॉट सी मी, एंड ही वाज लाइक नो दिस इज नॉट दैट सना हू वी अपॉइंटेड, तो वही डिसीजन ही वो. तो खैर तो मेरा बिल्कुल अटायर्ड चेंज हो गया था, इनफैक्ट मैं अपने एक बैंकिंग के ही हमारे टीचर थे है माशाल्लाह लम्या, उनको लंबी जिंदगी हयाती दें, तो वी वर पासिंग बाय, तो हम एक ही जगह से जा पार्किंग लॉट में, इनफैक्ट वी वर इन द पार्किंग लॉट, और वहां मुझे सर मिले एंड आई वाज लाइक हेलो सर हाउ आर यू डूइंग, एंड ही वाज लाइक व्हाट हु इज दिस, एंड ही वाज लाइक सो रिलक्टेंट टॉकिंग टू मी, एंड आई वाज लाइक OMG, दिस इज मी, एंड व्हाट ही सेड माय गॉड आई जस्ट डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, तो एकदम से आपका अटायर चेंज हो जाता है, तो वो मैं बहुत ज्यादा कर लिया था, एंड आई वाज लाइक फाइन, मैं होता तो था अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑब्वियसली एकदम से आप अपना बिल्कुल यू नो ड्रेसिंग और यू नो मतलब सब कुछ चेंज कर लेना, यू आर गोइंग द वन हु इज ऑलवेज इनटू यू नो फुल मेकअप एंड ऑल, और वो बिल्कुल बेयर फेस ऑफिस जाना शुरू कर दे, तो एवरीबडी वुड नोटिस हो क्या हो गया भाई, तो खैर ऑब्वियसली साहब को पसंद नहीं था, आई थॉट चलो इट्स फाइन आई एम कूल विद दैट एज वेल, या मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं है मेकअप की, या आई वही मैंने सोचा मैं आज अपनी भी थोड़ी सी तारीफ कर लूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ. अच्छा जी, तो खैर मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ मैं आपको बता रही थी कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना यू नो आई जस्ट ट्राइड, एंड इनफैक्ट लाइक माय ओन हस्बैंड ही स्टार्टेड लाइक ओ माय गॉड मे बी आई हैव आस्क्ड हर यू नो टू अ लिटिल टू मच, तो ही हिमसेल्फ स्टार्टेड सेइंग नो आई गेस तुम वैसी सही थी जैसी थी, तो ऑब्वियसली फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें तब्दील हो गई. आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं आपको कहाँ ले गई हूँ, इट्स ओके. अच्छा जी, बिल्कुल भी आप परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने भी सुनाने वाली हूँ. व्हाट इज हैपन टू माय एक्सेंट. अच्छा जी, मुझे बड़े सारे कमेंट्स आए हैं कि मैं क्या वाकई किसी टर्किश ड्रामे में ऑलरेडी अपनी यू नो आवाज दे चुकी हूँ या फिर देने वाली हूँ, यस वॉइस ओवर्स, तो आप लोगों ने कोई ऐसा अभी तक टर्किश ड्रामा देखा है जिसमें आपको लगा अरे यार ये तो Sanae, come on, how could we not recognize her voice? Come on, it's just, मतलब आप लोग खुद गैस करो, मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगेगा, ये सुनना अच्छा लगता है. खैर, और yes, I love doing voiceovers. And maybe someday, आप मेरे YouTube channel पे भी, very soon you will see, मैं सोच रही हूँ कुछ शरारतें करने की, मैं अपने YouTube channel पर भी कुछ शरारतें करने जा रही हूँ. You will like it, because I'm just in love with those. क्या होता है कि कभी कभी जब आपको थोड़ा सा फारिक थोड़ा सा हाँ बहुत ज्यादा नहीं है फारिक टाइम मिल रहा होता है ना, तो मतलब हम जैसे लोग जिनकी खोपड़ी में हर वक्त कुछ ना कुछ पकता रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी शरारत करती हूँ, और आई लव डूइंग वॉइस ओवर्स, तो वाई नॉट, मतलब मैंने सोचा घर में शुगर यस या शुगर ली गई है, तो कुछ हमने किया है, और मैं उसको थोड़ा सा एडिट कर लूँ,
बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच फेमिलियर विद द सॉफ्टवेयर्स, मुझे उसमें थोड़ा सा ना एडिट वगैरह में हेल्प चाहिए होगी, तो मैं अपनी टीम से थोड़ा कुछ हेल्प लेकर और फिर उसको एडिट करके अपलोड करूंगी, बट द वीडियो इज ऑलरेडी बीन मेड. तो मैं ये सोच रही थी कि आपके साथ आप बड़े मजे की वीडियोज होंगी, वो क्लिप्सेज होंगे, यू विल लव इट बिलीव मी जी. ट्रक लाइन्स, जस्ट इमेजिन यू आर वॉचिंग Merlin. Yeah, the King Arthur is coming and Merlin goes on like yes, मजे की lines होंगी, you would love it, believe me you would. और जी मेरी एक और video already बन गई है, लेकिन again मैं obviously एक तो live recording के अंदर भी आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो ही जाती है, लेकिन मैं ये चाह रही थी, इनफैक्ट इनिशियली आई थॉट क्योंकि मेरे पास जो लाइक यू नो द प्लेस वेयर आई मेड दोज वीडियोज वो बड़ा साउंड प्रूफ है एंड इट वेंट परफेक्टली फाइन, लेकिन मुझे ये लगता है शायद मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए, बट स्टिल आई विल सी कि जो ओरिजिनली रिकॉर्डेड वॉइस है मैं उसी को उसी क्लिप को एज इट इज डाल दूं, या फिर मैं किसी यू नो सिस्टम में सोच रही हूँ कोई ऐप वगैरह में ना, समबडी टोल्ड कि कुछ लॉग फिल्मोरा वगैरह यूज कर रहे हैं व्लॉग्स के लिए, तो लेट्स सी मैं अगर वो यूज कर सकी, या फिर आई हैव सम अदर गुड सॉफ्टवेयर्स एज वेल, यस द लेटेस्ट वंस, तो मैं सोच रही थी कि मैं शायद उसको अभी थोड़ा सा ना वॉइस ओवर करके और फिर एडिट करके उन वीडियोज को अपलोड करूंगी. तो वो तमाम लोग जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. हाँ जी, जब मेरी लिसनर्स की स्ट्रेंथ यहाँ रेडियो पे इतनी अच्छी आ रही होती तो फिर ये स्ट्रेंथ मुझे चैनल पे क्यों नहीं नजर आ रही है. ओके, आई विल वेट फॉर योर सब्सक्रिप्शंस. ये अच्छा, मुझे पता है अच्छा लगता है जिन लोगों के पास मेरा फोन नंबर है, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनके पास जो मेरे पास फेसबुक पे एडिड हैं, और तो प्लीज मुझे जब आप सब्सक्राइब करें चैनल तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मुझे बता दिया करें कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, मुझे अच्छा लगेगा. आई ना, मुझे मजा आता है, कम ऑन यार, इट्स फन. ओके अच्छा जी, और हमारे पास आज क्या है, कुछ काम की बातें हैं और कुछ और बहुत ही काम की बातें भी हैं, कुछ मैसेजेस भी हैं, कुछ डेडिकेशंस भी हैं. यस, देयर आर सम डेडिकेशंस एज वेल, और वो तमाम लोग जो केसी के लिए मैसेजेस भेज रहे हैं, तो थैंक यू सो मच दैट यू स्टिल डू रिमेंबर माय फ्रेंड केसी. और केसी का शायद उनका कुछ अकाउंट में प्रॉब्लम हो गया है तो मेरा उनसे बात हो नहीं पा रही है, बट एज सून एज वी विल गेट हर ऑनलाइन तो मैं डेफिनेटली उनको भी ऑनलाइन लेकर आऊंगी. और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इमरूल के बारे में पूछा, इमरूल जिन्हें हमने न्यूयॉर्क से लिया था ऑनलाइन, वेरी नाइस पर्सन, और इमरूल आजकल बड़ी फैंटास्टिक एक्टिविटीज के अंदर हैं. मे बी आई सी बिकॉज आई हैव स्पोकन टू हिम सिंस लाइक द लास्ट टाइम वी स्पोक ओवर द रेडियो, लेकिन मैं लेट्स सी इफ आई कैन हैव इमरूल एज वेल ऑन कॉल सम डे, और या वी आर गोइंग टू हैव फन, डोंट यू वरी. और मेरे कुछ स्पेशल फ्रेंड्स भी आने वाले हैं रेडियो पर. ओके, अब हाउ अबाउट सम म्यूजिक नाउ. हुन रोना मैं बची तो ना, मैं जन नहीं होया चकोर दा, हुन तू भी है किसे होर दी, मैं भी आ किसे होर दा, मेरा करदा है सवाल तेरी मोहब्बत दा की हाल, के तेरा हो जाऊं मैं किसी और कहूं फिलहाल, के तेरा हो जाऊं. तो मेरा दिल बना दिया,
माय गॉड, मेरे पास एक इतना खतरनाक मैसेज आया है. और मरियम, आई मीन लाइक हैट्स ऑफ टू यू. व्हाट, मतलब लाइक किस लेवल का? अच्छा खैर, चलिए मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि मरियम ने किसी से क्या कहा है. ठीक है, अभी इनकी अच्छी खासी किसी से झड़प हो गई है और उसके बाद इन्होंने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है शायद कुछ बॉयकॉट वगैरह हो गया है. तो मरियम इज सेइंग दैट मैं रखती हूँ चुड़ैलों वाली अदाएं, आप किसी हसीना पे मर जाएं. और साहब का जवाब आया है, साहब का जवाब आया है, मुझे तो चुड़ैल पर ही मरना है. सॉरी मरियम, तुम्हारी बचत यहाँ पे भी नहीं है. Okay, this one is really good. Raj is saying, Raj is from India. Thank you, Raj, that you're writing messages. मुझे लगता है इंडिया में भी शोरों के भैया रहते हैं जो पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ये सुनते हैं. अच्छा जी, सॉरी राज, प्लीज डोंट माइंड. ओके, राज ने मुझे की मैसेज भेजा कि ये क्या है, क्या इट्स अ जोक आई गेस. ओके, आई विल टेक इट एज अ जोक, प्लीज. अच्छा जी, बीवी हमारी शादी को 13 साल हो गए हैं और पता भी नहीं चला. शोहर, सजा का एहसास सिर्फ कैदी को होता है, जेलर को नहीं. ओह माय गॉड, कितनी गलत बात है, बहुत बुरी बात है. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप यकीन मानिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया. बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम. तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म. तुझे कितना चाहने लगे हम. अच्छा जी, मुझे ये एक मैसेज भेजा गया है और कहा है कि ये आप प्लीज पूरा मैसेज जरूर पढ़िएगा. दो इट्स क्वाइट, माय गॉड, अच्छा खासा, मतलब लाइक वुड आई रियली बी एबल टू रीड दिस. ओके फाइन, आई विल गो क्विक. तो मुझे ये मैसेज कहा है कि आप प्लीज इस मैसेज को पूरा जरूर पढ़िएगा. जी सही है, रेडियो तो मैं आप ही के लिए करती हूँ, चाहे कितने भी लंबे मैसेजेस भेजे, मैं बैठी हूँ ना, पढ़ूंगी ना, क्या बात है. कमान, इट्स लाइक दिस. अच्छा जी, ऐसे मजाक कर रही हूँ, कमान. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मैसेजेस. पता है आप लोगों की मोहब्बत ही होती है, आपको पता होता है कि इफ यूर सेंडिंग मैसेज सना विल रीड. थैंक यू सो मच. कुछ लोग जिनके मैसेजेस रह जाते हैं, प्लीज नाराज नहीं हुआ करें, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप इतने सारे मैसेजेस को. अच्छा, मुझे मैसेजेस की कंपाइलेशन में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ मैसेजेस मेरे पास मैसेंजर के थ्रू आ रहे होते हैं, कुछ फेसबुक पे डायरेक्ट आ रहे होते हैं, कमेंट्स के अंदर भी बाकायदा लिखे जा रहे होते हैं मैसेजेस, और फिर कुछ मैसेजेस जो है मेरे दूसरे, आई हैव अनदर अकाउंट एज वेल, वहां आ रहे होते हैं. तो कुछ मैसेजेस जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, और फिर यहाँ रेडियो के जो मेरे स्पेसिफिक लिसनर्स हैं वहाँ पे भी, चैट रूम में भी आ रहे होते हैं. तो मुझे थोड़ा सा टेक्स मी टाइम प्लीज़, और फिर मैं सारे कंपाइल करके, फिर मैं जो ऑब्वियसली जो बहुत टाइम से भेज रहे होते हैं, मैं
पहले कोशिश करती हूँ कि उनके मैसेजेस पढ़ लूँ, बट डोंट यू माइंड प्लीज एंड डू नॉट वरी, मैं सारे मैसेजेस मेरे पास महफूज होते हैं, और मैं आपने अक्सर देखा होगा मैं कुछ ओल्ड मैसेजेस भी पढ़ रही होती हूँ, फॉर द रीजन बीइंग ऑब्वियसली आप इतना अपना टाइम निकाल कर मैसेज कर रहे होते हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ज़रूर पढ़ूँ, और मुझे यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है आप जब मैसेज करते हैं. ठीक है, अच्छा जी, ये मैसेज है हाफिज़ गुलाम अब्बास मलिक साहब की तरफ से. ठीक है, है ये मैंने मेरे रब से भी इस रास्ते तू ना मिले उससे ना हो मेरे कदम. ओके, तो मैसेज गोज ऑन. अच्छा, मैं बिल्कुल ही म्यूजिक पे जैसे बंद रहा था तो पता नहीं चलता. ओके, आई एम सो सॉरी. ओके, हाफिज गुलाम अब्बास कहते हैं कि खुश रहना शुरू कीजिए, चाय में बिस्किट डुबोकर तो देखिए, अगर टूट के गिर गया कौन सा कयामत आ जाएगी. एक वक्त था खुशी बहुत आसानी से मिल जाती, दोस्तों से मिलकर, अजीज रिश्तेदारों से मिलकर, नेकी करके, किसी का रास्ता साफ करके, किसी की मदद करके. खरबूजा मीठा निकल आया, तरबूज लाल निकल आया, आम लीक नहीं हो रहा, टॉफी खाली, समोसे ले आए, जलेबियाँ खाली. अरे मैं तो अभी भी खुश होती हूँ उन सारी बातों पे, यकीन करिए. जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द शो आई वाज ऑफर्ड माय द सेकंड बेस्ट डिलाइट बाउंटी. या आई एम इन लव विद बाउंटी दीज डेज. यस, ओह इट्स लाइक हेवन, यू जस्ट कीप इट इन द माउथ and forget the world. Oof, wow. आप लिखेंगे सना इज लिटिल चिटोरी. नो, नॉट लिटिल, आई एम क्वाइट, मतलब मैं अच्छी खासी बड़ी वाली चटोरी हूँ. खैर, मुझे तो भाई ये चीज़ें अभी भी बहुत खुशी देती हैं. पता नहीं आप लोगों को देती हैं कि नहीं देती हैं, लेकिन अगर नहीं देती तो प्लीज़ स्टार्ट यू नो फीलिंग हैप्पीनेस. अच्छा, मेरे कहने पर इफ़ पॉसिबल, इफ यू हैव इट ऑलरेडी इन योर फ्रिज और इन योर बाउल और समवेयर, और आपके पास इस वक्त बाउंटी है, जस्ट टेक दैट चॉकलेट आउट, कीप इट इन द माउथ. बस मतलब आप ना, मतलब सैड है लाइफ, मैं बताऊँ आपको, जब भी आप सैड फील कर रहे हो ना, बाउंटी खा ली, चॉकलेट कोई भी खा लीजिए. खैर, कैडबरी तो इज माई दी सुपर द नट्स विद द नट्स, यस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर वो अवेलेबल ना हो तो बाउंटी से गुजारा कर लेती हूँ, और बहुत मजे की होती है. यू बस प्लीज, मैं मतलब इतनी नहीं, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको मूड ऑन करना हो ना, कभी आप बिल्कुल गुस्सा में हो, कोई ऐसी बात हो जिसके अंदर आपको लगी नहीं यार, मतलब इट्स लाइक दिस, तो वो वाली सिचुएशन के अंदर ना आप एक बाउंटी का पैकेट निकालिए, खा लें, एक एक पीस निकाल के मुंह में खा लें, एंड जस्ट यू डोंट नीड टू च्यू इट फास्ट फास्ट, जस्ट leave it there, melt it down, and just enjoy the aroma. And then when the coconut, crushed coconut comes in your mouth, it's like changes your world, yaar. मतलब upside down हो जाता है. Okay, आप कहते होंगे मतलब मैं शुरू ही हो गई हूँ. अच्छा चलें, छोड़ें, नहीं बात करती. अब आप मुझे फिर कहेंगे कि अच्छा, after the chocolate, you're tempting us for burger. Yes, believe me, the next time I'm gonna have is the super loaded burger and अच्छा by the way homemade bounty भी बहुत मजे की बनती है. I'm sorry this was the last talk about bounty but it's very easy if you guys wanna try. मैं इसकी recipe जो मैंने कैसे बनाई थी घर में bounty, वो उसका recipe मैं आपको YouTube channel पर डालूंगी, आप जरूर देखिएगा, you would love it, it's like wow. बिलीव मी बहुत आसान है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल, और हार्डली आधे घंटे की कहानी है जी, और फिर फिल्म तो फिर सारी जिंदगी की निकाल निकाल निकालते रहे. ओके अच्छा जी, तो यस मैं बर्गर को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही, दो दैट बर्गर, दिस बर्गर द वन विच इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज ऑल्सो ओवरलोडेड एंड यस अगेन होम मेड, नहीं बाहर का नहीं है जी, पैटी भी घर का है और नहीं चीज घर का नहीं बट इट्स फुली लोडेड. और अगर आपको हनी मस्टर्ड पेस्ट बहुत पसंद है, मतलब हनी मस्टर्ड सॉस, इफ यू आर इन लव विद दैट यू मस्ट, और मुझे बारबेक्यू सॉस
पर्सनली बहुत पसंद नहीं आता है, मैं क्या बातें कर रही हूँ। अच्छा खैर छोड़ें, ये मलिक साहब नाराज हो जाएंगे, मैं उनका मैसेज मिस में छोड़ दिया। अच्छा जी, कि जब खुशियाँ छोटी छोटी सी बातों पर आप खुश हो जाया करते थे, और क्या था, अच्छा जी जलेबियाँ खानी, बाथरूम में पानी गर्म गर्म मिल गया, दाखिला मिल गया, पास हो गए, मैट्रिक कर लिया, FA कर लिया, BA कर दिया, MA कर दिया, खाना खा लिया, दावत कर ली, शादी कर ली, उम्रा और हज कर लिया, छोटा सा घर बना लिया, अम्मी अब्बा के लिए सूट ले लिया, बहन के लिए जूड़े ले लिए, बीवी के लिए वक्त से पहले घर पहुंच गए, औलाद आ गई, औलाद बड़ी हो गई, उनकी शादियां कर दी, नाने नानियां बन गए, दादी दादियां बन गए, सब कुछ आसान हो गया, सब कुछ थे। फिर हमने परेशानी ढूंढना शुरू कर दी। OMG, यस, पता है आपका जो दिमाग होता है ना, ये कभी वो तमाम लोग जो उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, उनके लिए एक 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 छोटी सी एडवाइस है, थोड़ा सा ना वो दिमाग काम किस तरह करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, पढ़ें। ऑब्वियसली ये दिमाग आपसे इतना कुछ करवा रहा है ना कि आपको दिमाग आपको कहीं भी कोई भी मतलब कैसी भी सिचुएशन के अंदर उसके अंदर आपको ना एक रीजन तलाश करके दे देगा कि वो गम जनरेट करता है। जिन लोगों को दासियां रहते हैं ना वो गम जनरेट करता है, और वो फाइंड आउट कर लेता है, उसको पता होता है कि मुझे आप बिल्कुल काम साउंड, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एट योर बेस्ट, राइट। और फिर एक मोमेंट आता है, अच्छा ये वो मोमेंट होता है जहां पर दिमाग अब आपको ट्रैप करने जा रहा है। ये दिमाग किस तरह से ट्रैप करने जा रहा है कि ये ना परेशानियां ढूंढेगा, तलाश करेगा, क्रिएट करेगा आउट ऑफ नथिंग, एंड यू विल बी लाइक इन एनी अदर सिचुएशन आप उस परेशानी के बारे में सोचते भी नहीं होंगे, और आपके अगर होगी भी तो आपके पास हमेशा उसका इम्पैक्ट इस तरह से होगा, यार ओके फाइन, आई कैन सॉर्ट इट, लेट द टाइम पास बाय, यू विल नॉट टेक इट ऑन टू योर नर्व्स। लेकिन जो कुछ इस तरह के मोमेंट्स होते हैं ना जहां पर दिमाग आपके ऊपर कंट्रोल, आपके ऊपर हावी होना शुरू करता है, उस वो बड़ा अहम मोमेंट्स होते हैं जहां पे वो परेशानियां क्रिएट कर रहा होता है आपके लिए। तो ये वो मोमेंट होते हैं जहां पे आपको चार्ज लेना है अपने ब्रेन का। अच्छा आपको पता है कि ब्रेन के बारे में सबसे जबरदस्त बात क्या है, ठीक है, ब्रेन का अपना ब्रेन नहीं होता है, तो आप उसको ऑलवेज यू नो यू कैन ऑलवेज डॉज योर ब्रेन। अगर वो आपको कुछ ऐसा दिखा रहा है जो परेशान कुन है तो आप उसको डॉज करना शुरू कर दें, स्टार्ट इग्नोरिंग, यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए कि दिमाग काम किस तरह करता है, और फिर जब ये परेशानी की सोच क्रिएट कर लेता है तो वो कौन कौन से हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन रिलीज करवाता है जिससे हमारी ना सिर्फ जहनी वेलबींग के ऊपर असर होता है बल्कि ये हमारी फिजिकल वेलबींग के ऊपर भी असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। सो प्लीज माइंड इट, डू टेक केयर ऑफ इट। अच्छा जी, फिर हमने ये परेशानी ढूंढना शुरू कर दी, बच्चे कौन से स्कूल में दाखिल कराना है, पोजीशन क्या आएगी, नंबर कितने आएंगे, GPA क्या है, लड़का करता क्या है, गाड़ी कौन सी है, कितने की है, तनख्वाह क्या है, कपड़े ब्रांडेड चाहिए हैं या फिर इसकी कॉपी हो, झूठ बोलना फिर इसका दिफा करना सियासत इंडस्ट्री बन गई, हमसे हमारे दूर हो गए, शायद ही हमारे बच्चों को फौज के ओहदों का पता हो, हर पर उनको DHA कौन से शहर में है सब पता है, अच्छा घर कितने कनाल का हो, फिर घर औकात से बड़े हो गए और हम दूर दूर हो गए, जराए आमदन नहीं बढ़े पर कर्जों पर गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, TV, फ्रिज, मोबाइल सब आ गए, सबके क्रेडिट कार्ड आ गए, फिर इनके बिजली के बिल आ गए, ओ माई गॉड आई टेल यू दिस मंथ माई इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज लाइक आई डोंट नो वट आई डिड, आई मीन लाइक मैं अगर रेडियो पे बताऊंगी ना बिलीव मी आप लोग अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे अगर आप चेयर पे बैठे तो, लाइक फॉर मी इट वॉज शॉकिंग, आई सेड व्हाट डिड आई डू, मतलब इतना आई कैन नॉट इवन टेल, मुझे तो भाई कोई टैक्स ना पढ़ना शुरू हो जाए अगर मैं आपको बता दूं कि कितना हमारा बिजली का बिल आया है इस महीने का और वो क्यों आया है, इट्स जस्ट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, बट एनी वेज आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, बट यस ओ माई गॉड इट्स लाइक एब्सोल्युटली नॉट जस्टिफाइड, फन थिंग इज एब्सोल्युटली नॉट जस्टिफाइड, इवन इफ इट इज जस्टिफाइड वी डोंट माइंड पेइंग, बट अगर कहीं कुछ गलत है तो डेफिनेटली आई वुड वॉन्ट टू सी के कहा, लेकिन ऑब्वियसली मैं बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट जाकर किसी के ऑफिस पे मतलब यू नो कंप्लेन कर दूं, मैं पहले खुद अपना चेक करना चाहती हूं कि मैं से कोई तो कोई गलती नहीं हो रही है जहां पर कि मेरे बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया है, बिलीव मी जो हमारा यूजुअल आया करता था इट इज मल्टीप्लाई बाय लाइक इट्स 4 times more than what it used to come, इट्स लाइक मतलब
बहुत ज्यादा आ गया है, और बट स्टिल मैं अभी फिलहाल कंप्लेन नहीं. वैसे भी आप लोग ये कहेंगे क्यों आपको तो फॉरन कंप्लेन करनी, आई टेल यू पाकिस्तान है कंप्लेन से कुछ नहीं होता. खैर जी तब्दीली यही है. अच्छा जी, तो मैं आपको आगे पढ़ के बता रही थी. जी जनाब, पानी का बिल, गैस का बिल, मोबाइल का बिल, सर्विसेज का बिल, फिर बच्चों की वैन, बच्चों की टैक्सी, बच्चों का ड्राइवर और कंप्यूटर, बच्चों के लैपटॉप, बच्चों की टैबलेट, वाईफाई, गाड़ियां, जहाज, फास्ट फूड, बाहर खाने, पार्टियां, पसंद की शादियां, दोस्तियां. ओ माई गॉड, इस साल कहाँ जाएंगे, ये सब हमने अख्तियार किए. अच्छा जी, और अपनी तरफ से हम जिंदगी का मजा ले रहे हैं. क्या आपको पता है आपने खुशी को खो दिया इन सब में. दिस इज सो ट्रू. खुशियां तो पता है बहुत सारी बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाती हैं. जैसे यकीन कीजिए, यू नो आई जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट दिस बर्गर एंड आई फील लाइक आई शुड स्टॉप डूइंग रेडियो एंड फिनिश दिस बर्गर. मेरी जिंदगी में इस वक्त सबसे ज्यादा अहम चीज ये बन गई. आई एम सो हैप्पी सीइंग द बर्गर. आई एम सॉरी. ओके अच्छा जी, और अपनी तरफ से हम जिंदगी का मजा ले रहे हैं. अच्छा, क्या आपको पता है आपने खुशी को खो दिया. जब जिंदगी सादा थी तो खुशी की मकदार का तय नामुमकिन था. अब इस तरह धूम धड़क का तो बहुत है, पर परेशानी का भी कोई हिसाब नहीं. अपनी जिंदगी को सादा बनाइए, ताल्लुक बहाल कीजिए, दोस्त बनाइए, दावत घर पर कीजिए, बेशक चाय पर बुला लें या फिर आलू वाले पराठों का नाश्ता साथ कीजिए, दूर होने वाले सब चक्कर छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जरा कम इस्तेमाल कीजिए, आमने सामने बैठिए, दिल की बातें सुनिए और सुनाइए, मुस्कुराइए. यकीन कीजिए खुशी बहुत सस्ती मिल जाती है, बल्कि मुफ्त. सी, मतलब आप मेरा रेडियो सुन रहे हैं, ये भी तो बिल्कुल मुफ्त की खुशी है ना. कम ऑन. अच्छा, मैंने सोचा मैं क्यों मतलब सेट वाली टैग लाइन आ गई थी यहाँ पे. अच्छा जी, तो और परेशानी तो बहुत महंगी मिलती है, इसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर हासिल करते हैं. खुशी हरगिज भी चार्टर तैयारी में सफर करने में नहीं है. कभी नए जूते पहनकर बिस्तर पर रहिए, पाँव नीचे रखें, जूता गंदा हो जाए, बस महसूस करने की बात है. चाय में बिस्किट डुबोगे तो देखिए टूट कर गिर गया तो कौन सी कयामत आ जाएगी. हमसाए की बैल तो बजाइए, मिलिए मुस्कुराइए, बस मुस्कुराहट वापस आ जाएगी. दोस्तों से मिलने दोस्तों की बातें कीजिए, दोस्तों से मिलिए दोस्तों की बातें कीजिए, उनको दबाने के लिए डिग्रियां कामयाबियां फैक्ट्रियों का जिक्र हरगिज मत कीजिए. पुराने वक्त में जानिए जब एक टॉफी के दो हिस्से करके खाते थे, फैंटा की बोतल आधी आधी पी लेते थे. हमने क्या करना चाय खाने का, जहाँ 50 किस्म की चाय है, आओ वहाँ चलें जहाँ सबके लिए एक ही चाय बनती है, मलाई मार के. ओ वाओ, यम. ओके, चीनी हल्की, पत्ती तेज, आओ फिर से खुश रहना शुरू करते हैं. खुश रहने के लिए बच्चों जैसे बनकर तो देखिए. ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच मलिक साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त मैसेज किया, मुझे कितनी सारी बातें याद दिला दी. और एम आई स्टिल कनेक्टेड टू रूट्स. आपको याद होगा हमने एक शो किया था जिसके अंदर हमने कुछ टेस्ट भी बड़े डिस्कस किए थे, जिसके अंदर आपने अपने आप को इवेल्यूएट करना था, टेस्ट करना था क्या अभी भी हम अपनी रूट्स से कनेक्टेड हैं, और अगर कनेक्टेड हैं तो किस हद तक है. तो मुझे कुछ ऐसी सारी बातें याद दिला दी और अल्हम्दुलिल्लाह, यस आई एम कनेक्टेड. एक्चुअली मैं बिल्कुल देसी मिट्टी में गुंधी हुई होती है ना. लोग शायद मुझे देखकर बहुत डिफरेंट सोच, मतलब दे परसीव वेरी डिफरेंटली दैट द वे, मतलब मैं जिस तरह कैरी करती हूँ अपने आप को, या मतलब यू नो आई एम नॉट द देसी बट आई लव बीइंग देसी. मैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे वो देसी घी में गुंधी हुई जो होती है ना, यस लस्सी पीने वाली, आई एम दैट एंड आई लव बीइंग दैट. और मुझे बहुत पसंद आता है ऐसा रहना, क्योंकि मुझे मेरी मम हमेशा कहा करती थी कि जितना जिंदगी को सादा रखोगी ना जिंदगी, तो जितना लग्जरी से दूर रखोगी अपने आप को, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही आसान रहेगी. दिस इज सो ट्रू. मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने अपने आप को लग्जरी से दूर रखा, लेकिन मैंने हाँ ये ज़रूर रखा कि हमेशा प्रेफर सादगी को किया है. मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वैसे भी कभी भी नहीं पसंद आई. इट्स लाइक मुझे बहुत सारे लोगों ने अक्सर ये कहा है कि मैं बहुत सारी वो बातें भी बोल जाती हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए. इन अ सेंस के कुछ लोग मुरवतन या फिर ढकी झुकी बातों में या फिर प्रिटेंड करके या फिर यू नो वो मुनाफ़त आमेज जुमले होते हैं ना, वो बोलकर जस्ट टू कीप द रिलेशनशिप के हाँ हमने कुछ भी प्रिटेंड. क्यों यार, मतलब
आप जो हैं उस तरह से बन के मिलिए ना, और जो आपका दोस्त होगा ना वो आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा. और आई रिमेम्बर देयर इज दिस बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और आज भी हमारे वही हालात हैं. इट्स बीन लाइक वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. और उसको पता है जब मैं उसके घर, जब कभी से मुझे पता है, इट्स बीन 2-4 years नाउ मैं उसके घर गई हूँ. इट्स नॉट दैट शी लिव्स वेरी फार, जस्ट मतलब फ्यू मिनट्स ड्राइव फ्रॉम माय प्लेस. लेकिन अब भी जब कभी भी मैं उसको विजिट करती हूँ, उसको पता है कि सनी लव्स द टी विद लोडेड. मुझे वो जो हमारे यहाँ का जो दूध के ऊपर मलाई बनती है ना, नॉट दैट वन, वो जो पता नहीं, आई जस्ट डोंट नो, वो जो पैकेट वाला क्रीम होता है, आई जस्ट हेट इट, आई डोंट लाइक इट एट ऑल. तो वो जो दूध के ऊपर से मलाई उतार के जो अम्मियाँ ना साइड में जमा करती जाती हैं कि तो मैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो मलाई. तो वो मेरी फ्रेंड जब भी मेरे जाने से पहले ना, जब भी मैं जब उसे बताती थी कि यार मैं आ रही हूँ, ठीक है, तो वो उसने, उसको पता है कि उसने मेरी तरह की चाय बनानी है, और वो चाय बनाने के बाद उसको पता है हाफ कप चाय होगी और हाफ कप उसमें वो थिक क्रीम होगी. उसको पता होता है कि ये आज आएगी ना तो मुझे वो वाली चाय बना के देनी है. उसको आज तक भी पता है, मतलब हम बचपन से अब तक, शी नोज दैट वेन एवर आई विजिट हर. मेरी तो, मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहूँ. लेकिन हाँ, वक्त के तकाजे बहुत सारी चीज़ें तब्दील करवा देते हैं. लेकिन दूसरे जो जो आपके अपने होते हैं ना, मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि डीप डाउन शी इज़ द सेम पर्सन. आई बिलीव यही अपनाई होती है जो कायम रहती है हमेशा अपनों के रिश्तों में. और दोस्तों में भी यही होता है कि जो आपके वाकई में अपने होते हैं ना, तो आपको उनके साथ उसी लेवल से मिलना चाहिए. वॉट इज द मतलब, वाई डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट वॉट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल? वाई वुड यू, मुझे मतलब लिटरली अगर कोई, अच्छा इट्स लाइक दिस, आई रिमेम्बर मैं अपनी एक फ्रेंड बहुत टाइम के, एक पूरी फैमिली है, लाइक दे आर माय वेरी बेस्ट बडीज. तो वो उनसे बहुत टाइम के बाद मिली, जब बहुत टाइम के बाद मिली ना, तो एंड बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी उनकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी. एंड तो दे थॉट के मतलब यू नो, पता नहीं सना से मिलना अब कैसा होगा, हाउ वुड शी. और मैं जब जिस तरह मैं उनसे पहले मिलती थी उसी तरह तब भी मिली, लाइक मुझे तो ऐसा लगता जैसे कल की बात थी, कल मिलके गई हूँ मैं, आज दोबारा आ गई हूँ, इट्स लाइक दिस. एंड दे वर सो सरप्राइज्ड, ओह माय गॉड, यू डिड नॉट चेंज, यू आर स्टिल द सेम पर्सन. और मतलब व्हाई डू यू, मतलब आप एक्सपेक्ट भी क्यों करते हो कोई तब्दील हो जाएगा, और कोई तब्दील हो भी क्यों यार, मतलब व्हाई? इट्स लाइक, अगर हाँ कभी कभी हमारी सोच बदल जाती है उस इंसान के बारे में, और वही जो परसेप्शन है, जब आप एक एक सोच के साथ दूसरे आदमी को देखते हो ना, आप उसको बोलते हो यार ये तो बदल गया, हालांकि बदला नहीं होता है. आप ये भी तो सोच सकते हैं ना यार आपकी सोच बदल गई है. खैर क्या हूँ मैं लेक्चर बात ही. अच्छा मुझे एक्चुअली मलिक साहब के मैसेज ने पता नहीं कहाँ ले लिए थे, और इट वॉज रियली वेरी नाइस, थैंक यू मलिक साहब, आपने बहुत अच्छा मैसेज भेजा. और थोड़ा सा म्यूजिक नाउ. या आप ये मत समझिएगा कि मैं ब्रेक ले रही हूँ अपना बर्गर खाने के लिए. तुझे यारा जितनी दफा मैं तुझ पे है आता मुझको यकीन, सबसे मैं जुदा होके अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं. मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं तुझे, रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं. थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं. खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं.
अच्छा जी, अब कुछ थोड़ी सी सीरियस वाली बातें। भैया जो लोग मुझे जानते होंगे कि हम सनाश में सुहेल सीरियस। अच्छा जी, तो क्या हुआ, कम ऑन, रेडियो पे कभी कभी थोड़ी बहुत सीरियस बातें भी की जा सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि यस आई हैव फिनिश्ड माय बुक, यस आई डिड, इट्स लाइक do you like Philadelphia? Cheese spread? There is no match to Philadelphia in cheese spread. The super best. मुझे मतलब yes I do like the other brands as well, but did I work on the radio? What is that to be bad manners? Sorry. अच्छा तो मैं आपको बता रही थी, मैंने सोचा चलते फिरते मुझे थोड़ी मजे मजे की टिप भी दे दूँ ना। Come on, if you're a cheese lover, you must try Philadelphia cheese spread onto burger, and in the patty should be chapling kebab. Okay, and if it is homemade, nothing like it. और फिर मेरा वाला हनी मस्टर्ड पेस्ट, आई शुड डू सम, यू नो, आई शुड ओपन सम फूड चैनल। आई एम इन लव विद फूड ऑलवेज, इट इज़ लाइक दिस। खैर, मुझे देख के लोग अक्सर कहते नहीं हैं कि अच्छा तुम फूडी भी हो सकती हो। हाँ, मैं मूडी के साथ साथ फूडी भी हूँ। खैर, अच्छा बस कर दो अपना सना हाशमी सुहेल नामा, अब बस शुरू कर दो। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि मैंने सोचा थोड़ी सी फन, थोड़ी मज़े मज़े की बातें, मतलब मेरे बारे में हो जाए तो अच्छी बात है ना, मतलब मज़े मज़े की बातें इज मीन। ओके फाइन, कम आउट ऑफ इट। ओके अच्छा जी, कम ऑन प्लीज, सिर्फ मजाक होता है। अब कोई मुझे लंबे लंबे मैसेजेस मुझे बहुत लोग भेज चुके हैं, और मतलब इतनी कहानियाँ लिख कर भेज रहे होते हैं तो मैं तो अपनी तारीफों के अलावा टाइम ही नहीं मिलता, अपने बारे में बातें करती रहती हूँ, मुझे घर में ये सुनने को मिलता है। बट मैं इट्स लाइक अब मेरी नीसेज भी, इनफैक्ट आई टेल यू माय वन पर्टिकुलर नीस, शी हैज़ माशाल्लाह, वो बहुत बहुत अच्छा बोलती है और बहुत चिका चिका के बोलती है। शी रियली नोज कि उसको अपना मैसेज किस तरह कन्वे करना है, तो उसको पता होता है कि सनी आनी जो है ना, उनको कहाँ पे कौन सी लाइन मारनी है और उन्हें चुप करना है। खैर अच्छा जी, तो चले मैं बताती हूँ, अब हम थोड़ी सी काम की बातें करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि दिस यू नो दिस 21st सेंचुरी वी आर लिविंग इन, एक्चुअली वी आर इन द मिडल ऑफ अ स्ट्रेस एपिडेमिक। यस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेस को हेल्थ एपिडेमिक ऑफ 21st सेंचुरी कहा है। डोंट यू थिंक इट्स लाइक समथिंग वेरी वेरी ग्रेट,
रेस्टोरेंट्स. अच्छा ये 21st century इट्स एपिडेमिक. ओ माय गॉड, सो व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. अच्छा अब थोड़े से ना वो निकलेंगे सोल्जर्स ना. स्ट्रेस क्या होता है हमें तो पता ही नहीं. एंड आप उनको ऐसे गौर से देखोगे, यार वाह जिंदगी हसीन है, इनको तो स्ट्रेस ही नहीं होता. यार क्या बात है, ये तो मतलब कितने वेल कंट्रोल्ड हो. हाँ भाई, अच्छा देखिए हमेशा नोट कीजिएगा, हर एक आदमी आजकल ये होने लग गया है, हर एक आदमी ये बताना चाहता है कि वो कितना अच्छा है और आप कहाँ कहाँ गलत हैं. कि मतलब यू नो दे एवरीबडीज, तो वो तमाम प्रिटेंडर्स जो ये बोलते हैं कि उन जिंदगी में तो स्ट्रेस है ही नहीं ना, उन्होंने तो कभी स्ट्रेस होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं, वी आर ऑलवेज सो हैप्पी, वी आर लाइक दिस. प्लीज हेलो, इट्स नॉट लाइक दिस, वन शुड, इट्स फाइन, आपका स्ट्रेस लेवल अंडर कंट्रोल होगा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेते होंगे, दैट्स गुड, यू आर गुड एट मैनेजिंग स्ट्रेस, दैट्स परफेक्टली फाइन. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस होता ही नहीं है. अच्छा एक बड़ी बात ये भी है ना कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस के अंदर नेल बाइट करके पूरा खा लिए ना, नाखून खत्म कर दिए. स्ट्रेस वो क्या होता है, लुक एट योर फिंगर्स, यू च्यूड ऑल योर नेल्स, दैट्स नॉट स्ट्रेस रियली. अच्छा चलिए ठीक है, मतलब अब क्या बोले यार, आई मीन लाइक यू कैन नॉट टॉक टू देम देन ना, इट इज जस्ट यू एक्सेप्ट सही है भाई आपको लगता है. कभी कभी मतलब एक वो थी ना रिवर्स साइकोलॉजी, जिसके अंदर आप उलट सोचना शुरू कर देते हो, नो इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दिस, तो आपको लगता है भाई मुझे तो स्ट्रेस होता ही नहीं है, हालांकि साइंस बता रहे हैं आपको स्ट्रेस है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग इफ समथिंग रियली डज एग्जिस्ट, ठीक है ना. अच्छा जी, तो बट वॉट कैन वी डू अबाउट इट. अच्छा हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में, लेकिन हम कर क्या सकते हैं यहाँ पर. वॉट इज दैट थिंग विच इज इन आर हैंड्स, और हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. हाँ जी, तो हम इस बारे में आज बात करेंगे. तो मेरी वो तमाम उदास आत्माएं जो हमेशा उदास परेशान रहती हैं और स्ट्रेस में रहती हैं, आपको पता है स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइटी के अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं. और ये स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन जो है वो सिर्फ आपकी थॉट्स की हद तक नहीं रहता, एडवांस लेवल में आने के बाद ये आपकी फिजिकल हेल्थ पर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है. तो मेरे वो तमाम फ्रेंड्स, अल्लाह ना करे आई वुड से कि ऐसा कोई सिचुएशन किसी के साथ भी कभी भी हो, लेकिन कहीं पे भी किसी को भी लगता है कि अगर वो किसी कभी कभी मतलब ऐसे कुछ एपिसोड्स आ जाते हैं या कुछ ऐसा होता है तो उनको ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे. और मैं सोच रही हूँ उससे पहले आपको कुछ अच्छे से ना सॉन्ग सुना दूं. और मुझे एक मेरे बेस्ट बडी का मैसेज आया था, ही सेड तुम इतना तेज कैसे बोल लेती हो शुरू से तेज बोलती, यू नो दैट. अच्छा अक्सर क्या होता था, मीटिंग स्टार्ट हुई ऑफिस के अंदर ना, और मैं बात कह के उठ के खड़ी हो जाती थी. The other person is like, when did it start and ended? मतलब आप say what you want to say and get over with it. क्या ज़रूरत है आपको मतलब घंटे लगा के ना मीटिंग में, मतलब आप जो करने की बात है कीजिए और मीटिंग को रैप अप कीजिए, क्या ज़रूरत है आपको मतलब यू नो लंबी लंबी कहानियाँ सुनाने की. और फिर मैं आ गई रेडियो पर. अच्छा है मीना, चलिए मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, थोड़ा सा ओल्ड सा सॉन्ग है और इट विल टेक यू समवेयर दैट आई एम श्योर. और मेरे वो वाले फ्रेंड्स जिनको थोड़ा सा ये होता है ना कि क्या तुम ओल्ड सॉन्ग्स लगा देती हो, वैसे एक बात सच्ची सी है कि जो मेलोडी पुराने गानों में होती थी ना वो इट्स नॉट दैट, अगर आपको पुराने गाने पसंद हैं तो वो आप मतलब उसी एरा से आपका ताल्लुक है, आप बहुत ओल्ड हो गए हो, या फिर
अच्छी मेलोडीज तो कोई भी एज में आप सुन सकते हो, आपको एवर ग्रीन होती हैं ये, तो हर एक उतनी पसंद आते हैं। अब हाँ टेस्ट की बात है, आपको शायद वो पसंद ना हो, लेकिन हैरत की बात है अगर आपको पसंद ना हो। लेकिन मुझे यस आई डू लव, मुझे ओल्ड और न्यू म्यूजिक। इनफैक्ट अभी हम कहीं ड्राइव पर थे तो माय गॉड इट वाज सैटरडे नाइट, सॉरी मैं आई प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू, दैट्स माय फेवरेट। पता नहीं कहाँ से ना ये सॉन्ग मुझे बड़े दिनों के बाद मिला, मुझे याद आ गया कि जब मैं ऑफिस जाया करती थी, मतलब हमेशा फुल, मुझे बहुत पसंद है ड्राइव के वक्त ना म्यूजिक फुल होना चाहिए, मतलब इतना आपकी गाड़ी टीवी पता चल जाए आप आ रहे हैं, पता नहीं मुझे पसंद है। यस इट्स फाइन, कॉल मी वट एवर यू वॉन्ट डू, बट आई लव डूइंग दैट, इट्स लाइक फन, कम ऑन। ये नहीं खैर बदतमीजी भी होती है ये। अच्छा जी चले मैं आपको एक अच्छा सा, मैं अपना ये वाला जो सरन नाइट, आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, आई विश आई कैन फाइंड हियर, आई विल प्ले दैट फॉर यू टू, बट राइट नाउ आई एम प्लेइंग दिस। थोड़ा सा धीमा सा अच्छा सा ना, मतलब हर एक की जिंदगी में मोहब्बतें तो होती हैं, प्लीज कम ऑन, हमारी जिंदगी मतलब है ही नहीं ना कंप्लीट, और कुछ लोग तो मुसलसल मोहब्बत में होते हैं, और कुछ लोग तो एक के बाद एक मोहब्बत में होते हैं, और कुछ एक ही मोहब्बत में होते हैं, और कुछ नई मोहब्बत में रहते वे भी पुरानी मोहब्बत में झांकियां मार रहे होते हैं। तो मैं खैर मोहब्बतों की बात, तो वो तमाम लोग जिनको कभी भी जिंदगी में मोहब्बत हुई है या हो रही है या लगता है इम्कान है हो सकती है या फिर यू नो ऑलरेडी पूरा मतलब गले गले तक पानी आ गया है, उनको ये वाली मेलोडीज आई एम श्योर यू दे आर गोना लव एंड लाइक, ये मेलोडीज डेफिनेटली पसंद आएंगी। तो चलें आपके लिए लगा देती हूँ। ओह वाओ आई विश इसका आवाज़ सही हो, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि प्लीज डोंट डू दैट टू मी, आई विश आई कैन प्ले हियर। Aria, here you go. Kikita. Oh my god, I think again band kita. Nahi baj gaya. Wow, thank you. Matlab I wish iska awaaz sahi aa raha hai. Any guesses? Ki bata sakte hai kaun sa song hai ye? I hope aap logon ko awaaz loud and clear hai. Come on, please. Koi to guesses honge. Bataiye na kaun sa song hai. Big B, yeah, and Big B's love. Okay, I should not talk about. Achhi ji, yes, this is. निगाह में है गुल खिले हुए, सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादू तेरी, तेरी आवाज है हवा, ओ रे रे प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले, भूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, मेरा दिल है तेरी पनाहों में,
लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मियां तो पास ले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। Okay. Oh, wow. I just love it. That's just nice. I just love this. Oh, Big B! Yeah! मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो। ओए होए, मतलब पावर ऑफ पॉजिटिविटी। मैं प्लीज, मैं ये नहीं बोलना चाह रही, यस मोहब्बत इतनी स्ट्रांग होती है और वो बहुत कुछ वो करवा देती है जो आप सोचते हैं कि यार मैं कितना। खैर चलिए,
करना चाहिए, कम ऑन इट्स गुड. आपको पता है हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती है. जब आप मोहब्बत में होते हैं ना तो आप अपना बेस्ट वर्जन आप अपना बेस्ट दे रहे होते हो हर चीज़ के अंदर, यू नो. ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस योर पार्टनर और आप बहुत अच्छे, खुद भी बहुत अच्छे हो जाते हो. आप बहुत अच्छा देखना शुरू कर देते हो, आप बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देते हो, आप बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हो. तो इट्स गुड, यू शुड. अगर अब तक आपने ये हादसा, आपके ऊपर से ये हादसा नहीं गुजरा है तो आप गुजर के देखिए, डेफिनेटली यू विल लव एंड लाइक इट. अच्छा, इसी तरह की एक और मजे की चीज़ है, आई वुड थोड़े थोड़े पुराने पुराने वाले भी होने चाहिए ना. और मुझे तो पता नहीं, मुझे ये वाली, आई जस्ट लव दीज मेलोडीज. और थोड़ा अच्छा खासा पुराना इनफैक्ट ये, इट्स नॉट एंड दिस इज रियली गिविंग मी लिटिल टफ टाइम. I want to listen to this. You will like it. मुझे मेरे, अच्छा आई एम सो सॉरी, मेरे बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया है, मैं सबको वेलकम करती हूँ. और हमारे जो फ्रेंड्स हैं ये जनाब इंडिया से हैं, और कुछ जो हैं फ्रेंड्स हमारे वो इंटीरियर, पाकिस्तान के इंटीरियर से हैं. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा शो पसंद किया, लाइक किया. एक्चुअली दे फाउंड मी ऑन यूट्यूब चैनल और फिर वहाँ से उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप अगर रेगुलर रेडियो करती हैं तो कहाँ से करती हैं. तो ये ऐप भी इट्स गुड, यू कैन, मैं एक्चुअली फ़ौरन ही अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे भी. तो इट्स नॉट लाइक अगर आप इस ऐप पर नहीं भी आ सकें तो यूट्यूब पे तो डेफिनेटली आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा. और थैंक यू सो मच वो तमाम नए सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है. आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल. और आप सबको, मेरे नए सब्सक्राइबर्स को यूट्यूब चैनल पे मैं वेलकम करती हूँ, और मेरे तमाम न्यू लिसनर्स जो हमें ऐप पे भी अभी सब मैसेज सुन रहे हैं, थैंक यू ऑल सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन माय शो. ओके, हियर वी गो. और अच्छा, हाँ एक और ये भी तो बात होती है कि आप जब नए नए बिल्कुल इस मार्के में वारिद होते हैं, इसके मार्के में वारिद होते हैं, तो आपको बड़े ना सॉन्ग सुनने का दिल चाह रहा होता है, बड़ा पोइट्री पढ़ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, मतलब शायरी आपको अच्छा लगना शुरू हो जाती है.
सच है. अब अच्छा, बहुत सारे लोग जो कोई भी कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज, यस होता है, इट्स फाइन, कम ऑन, लाइक व्हेन यू आर इन लव इट हैपेंस. यस अच्छी जी. तो मैं इस तरह के मैंने सोचा कि क्योंकि स्ट्रेस के बारे में इसके बाद बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना इधर उधर घुमा रही हूँ, ताकि यू नो जस्ट कम इन द बेस्ट मूड. यस, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक और द सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हियर यू गो, देयर इज वन मोर ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू विल लाइक इट. होय होय, उसे जब पहली बार बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन खरा. मैं तो उस पे मरती हूँ, दुनिया से नहीं डरती हूँ, नाम से उसके सवरती हूँ, पल पल आहें भरती हूँ. माना के मजबूरी है, चाहत अभी अधूरी है, बस कुछ दिन की दूरी है, मिलना बहुत जरूरी है. क्या क्या दर्द जगाता है वो लड़का, बहुत याद आता 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 है. कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है. मेरे सपनों में आए, मेरे दिल को चुराए, मुझे कितना सताता है वो लड़का, बहुत याद आता है वो लड़का, बहुत याद आता है वो लड़की, बहुत याद आती है वो लड़की, बहुत याद आती है. ओए होए, आपको भी तो कोई याद आना शुरू नहीं हो गया. अच्छा जी, इट्स फाइन, मतलब यादें तो अच्छी होती है. और हाँ, हाउ अबाउट दिस वन, यू लाइक दिस एज वेल, मतलब तबाही फेंक देने वाले हालात हो रहे हैं आज. ओके, आई होप यू आर लाइकिंग द शो. समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने, समझा आ
कोई तूफान हो उसे कह दे मिल गया साहिल मुझे. इट वाज नाइस सॉन्ग. अच्छा और ये वाला सॉन्ग मुझे क्यों पसंद है बताती हूँ. आई रिमेम्बर एक ही वॉज अ न्यूज सिंगर एक्चुअली. उनको टीवी पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो ही वॉज अ वेरी नाइस सिंगर. लेकिन उनके साथ शायद मुझे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्योंकि सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता तो आई वॉज थिंकिंग दैट वाह बहुत बहुत ही अच्छा सिंगर होंगे कोई एक भी गाना बहुत अच्छा गा लेता है. तो मुझे ये नहीं पता था कि उन्हें सिर्फ वही गाना आता था और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सॉन्ग उन्होंने एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था और फिर वो सिलेक्ट हो गए थे और फिर उन्हें जॉब ऑफर हो रही थी और उनको बताया था. अब उनसे जब भी कहा जाता है कि भाई आप कोई और सॉन्ग प्रिपेयर करके आए तो वो हर दफ़ा वो एक ही सॉन्ग प्रिपेयर करके आ जाते थे ना हर दफ़ा वही. और इट वाज रियली इम्प्रेसिव. जब मैंने पहली दफ़ा सुना था उनसे तो मैं तो ऑब्वियसली आई थॉट कि बहुत ही ज़बरदस्त आला भाई के वो मतलब सिंगर थे और बहुत अच्छा सुनाया था उन्होंने. तब से मुझे गाना बड़ा याद है. और लेकिन वो जैसे खुद थे उनको एक्चुअली जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आई रिमेंबर. और मैं ये सोचती थी कि इन हालात में अगर कोई गाना सीख ले और फिर इतना अच्छा डिलीवर भी कर सके तो इट्स लाइक अ बिग थिंग. ऑब्वियसली ऐसे आर्टिस्ट को आई बिलीव चांस देना चाहिए है. और लेकिन हाँ एक आर्टिस्ट की अपनी तरफ अपनी भी कमिटमेंट होती है कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी समवेयर. और आई रिमेंबर काशिफ एक हुआ करते थे मॉर्निंग शो पे अभी आई गेस वो फैसल कुरैशी के साथ हैं तो वो बहुत अच्छा गाते थे. काशिफ बहुत अच्छा गाते थे और मैं कभी सुनती होती थी ना मैं कहती थी मतलब हाउ मतलब ये कैसे इतना ज़्यादा अफोर्ड कर लेते हैं कि मतलब यू नो माशाल्लाह ही इज़ नाउ अ बिग नेम आई बिलीव कि वो बहुत अच्छा गाते वैसे भी बहुत अच्छा गाते थे. तो इसी तरह से इनको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो तब मैं देखती थी मुझे बड़ा मैं बहुत इंस्पायर होती थी और ये सॉन्ग मुझे जब से याद है तो ही सॉन्ग वो जब गा रहे थे मैंने पहली दफ़ा उनको सुना था तो उन्होंने ये वाला गाना सुनाया था एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग. और फिर आई सर्च दिस सॉन्ग इनफैक्ट आई वॉच दिस मूवी एज वेल. इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी अगर आपको कभी टाइम मिले तो जरूर देखिएगा और ये मेलोडी तो बहुत खूबसूरत है यू विल लाइक इट. ओके लेट मी प्ले. तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल तुम चले जा
चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया क्या पाया। पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता लोग मोहब्बतों में इतनी ताखीर क्यों कर देते हैं, और फिर उनको ख्याल जब आता है जब ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी होती है। मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट मोहब्बत ओनली, इट कैन बी एनी लाइकिंग, एनी सॉर्ट ऑफ लाइकिंग। अगर आपको किसी के भी बारे में कोई भी बात अच्छी लगती है तो उसको बताने में क्या हिचकिचाहट होती है? आपको ये लगता है कि अगर हमने इसकी तारीफ कर दी या इसके बारे में ये बात बोल दी तो ये अपने आपको पता नहीं क्या समझने लगेगा या लगेगी, या फिर हम क्यों तारीफ करें, या फिर हमारी ईगो ही हमें किसी को अपने से आगे बढ़ने नहीं देती ना कि मैं क्यों तारीफ करूं, उसने क्या मेरी तारीफ की है कभी, या फिर उसने कभी मुझे नोटिस भी किया और डस दिस पर्सन रियली डिजर्व कि मैं जाके उसकी तारीफ करूं एंड ऑल। ये तो मैं खैर आम हालात में आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको पता है क्या ये एक हम पर कर्ज होता है। अगर हमें किसी की बात किसी की कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी है, कोई भी अच्छा लगा है, क्यों सोचते हैं क्यों है बताने में? मतलब हम बहुत सारे काम, जब कभी हमें किसी की दिल आज़ारी करनी होती है ना, जब किसी को तड़ातड़ सुनाना होता है, उस वक्त यकीन कीजिए ये कोई ईगो शीगो ना कुछ कुछ बीच में नहीं आता है। उस वक्त हमें ये होता है कि बस हमें ना वी जस्ट हैव टू ऊज आउट दैट फायर ऑन टू द अदर पर्सन, सोचते एक लम्हे को भी नहीं है। लेकिन हाँ, सोचा कहाँ जाता है जहाँ किसी के बारे में कोई तारीफ करनी होती है। तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट दिस इज अ फैक्ट, मतलब सच को बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई वाकई में बहुत अच्छा है तो गो अप्रिशिएट दैट पर्सन, टेल दैट पर्सन आपके अंदर ये बहुत बहुत अच्छी है, या फिर आपकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, या फिर इट्स फाइन टू टेल द पर्सन दैट आई रियली लाइक यू, इट्स फाइन। मतलब इट्स ऑब्वियसली कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, एक अदब आदाब के दायरे होते हैं, वो तो आपको हर हाल में मलहूज खातिर रखना ही चाहिए हैं। उर्दू चेक कीजिएगा मेरी, हाँ जी ठीक है, कभी कभी होता है आ जाती है ना। तो अदब के जो दायरे होते हैं उनमें रहते हुए आपको इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप किसी को बताना चाहें, एंड देन देर आर ऑलवेज वेज टू टेल द पर्सन कि आप उसकी क्या बात पसंद करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं। आपने अगर अभी रिसेंटली, देर इज दिस वेरी ब्यूटिफुल मूवी, इफ यू कैन कैच इट, आई गेस इट्स ऑन iWeb पे, यू मस्ट वॉच इन फैक्ट। चले मैं आपको कल के लिए ना एक बड़े मजे का, संडे के लिए ना एक बड़े मजे की चीज़ दे रही हूँ, यू विल फॉल इन लव विद दिस मूवी, बिलीव मी। एक्चुअली बहुत बहुत खूबसूरत मूवी है, बहुत खूबसूरत मूवी है। It's Love Locks, LOVE, Love, LOCKS, Love Locks. अच्छा जी, तो ये कहानी है एक ऐसे कपल की कि जो, अच्छा मैं पूरी कहानी तो आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आपका मजा खराब हो जाएगा जी। जिन लोगों को रोमांस रोमांटिक मूवीज वगैरह बहुत पसंद है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर जाकर इसको चेकआउट कीजिए, iWeb पे मिल जाएगा, या अदरवाइज भी आप तो बहुत सारे वेज होते हैं, आप तलाश कर लीजिएगा। आई डोंट नो इफ इट इज अवेलेबल ऑन द नेटफ्लिक्स और नॉट, बट आई गेस iWeb पे तो डेफिनेटली है। आई थिंक इट्स अ हॉलमार्क मूवी, यस, एंड ओ हॉलमार्क movies is like an ardent lover, मतलब मेरे लिए ना बहुत, मुझे बहुत पसंद है हॉलमार्क की मूवीज। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके अंदर जो नेचुरल सीनरी और मतलब वो जो उस पर जो बड़ा काम करते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत है। तो यस, मेरी एक बड़ी फेवरेट मूवी है लीप ईयर, LEAP, लीप एयर, ये बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। दूसरी ये लव लॉक्स। अच्छा, मैं लव लॉक्स के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि यहाँ पे ऑब्वियसली मोहब्बतों का क्योंकि सिलसिला चल निकला है, छेड़ना शुरू कर दिया है हमने। तो खैर, मैं आपको बताई लव लॉक के अंदर है क्या एग्जैक्टली। पेरिस में एक ब्रिज होता है, वहाँ पे ग्रिल के ऊपर लॉक्स लगा दिए जाते हैं, तो उन लॉक्स को जो है वो कपल जब अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं एक दूसरे से, तो वो उसके ऊपर अपना नाम लिखकर उसको लॉक को लगा देते हैं, और जो है वो गारंटी बन जाता है इस बात की कि यू नो दे विल ऑलवेज, एज लॉन्ग एज द लॉक इज देयर, उनकी मोहब्बत जो है वो एक दूसरे के साथ रहेगी। तो अब इस कहानी में आगे क्या होता है, हम मोहब्बतों के अंदर ना कभी कभी उन चीज़ों को जगह देना शुरू कर देते हैं जिनकी वाकई में कोई अहमियत ही नहीं होती है। मोहब्बत में मोहब्बत ज़रूरी होती है। तो इसमें इसी तरह की एक बात बताई गई है, द वेरी लास्ट लाइन बड़ी क्रूशल, मतलब उन्होंने वो जो पार्ट है ना मूवी का, उसके अंदर उन्होंने इतना ज़बरदस्त फैक्ट बोला है कि हम मोहब्बतों के अंदर ना
जब हम मोहब्बत करना सीख रहे होते हैं या मोहब्बत में होते हैं, तो हर दिन एक ऑब्वियसली लर्निंग प्रोसेस होता है. तो बहुत सारी चीज़ें हम गलत कर रहे होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, वी आर वेरी राइट, हम ही सही हैं. और फिर जब दरारें, रंजिशें जो आती हैं ना, वो नहीं गलत फहमियों की वजह से आती हैं. तो इसी सब के बारे में है. और उसमें एक बड़ा बेसिक सा की दिया गया है कि मोहब्बत की एक बहुत बेसिक सी चाबी दी गई है. अगर आप उसको हमेशा अपने हाथ में रखेंगे तो कभी भी मोहब्बतों के अंदर दरारें नहीं आती हैं. अच्छा, और मुझे इस मूवी के अंदर और एक और बात जो बहुत अच्छी लगी. अच्छा, मैं मूवीज के रिव्यूज भी देना शुरू हो गई हूँ ना, चेक कीजिए आप जरा. अच्छा, मुझे इस मूवी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात लगी. अ टाइम कम्स इन दिस मूवी के ये बहुत टाइम गुजर जाता है, पूरी जनरेशन का मतलब ये जो होती है जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो बूढ़ी हो जाती है. तो फिर वहाँ पे जो लॉक्स होते हैं उस ब्रिज के ऊपर इतने ज़्यादा हो जाते हैं ग्रिल के ऊपर कि उसका गिरने का डर होता है. तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें ये लॉक्स जो हैं यहाँ से हटा देने चाहिए. तो जब वो हटा देने, अब जितने भी ऑब्वियसली ये मूवी जो है वो पेरिस में पिक्चराइज हुई है, तो वाओ मिलान पेरिस जस्ट वाओ, मतलब आप मेरी चॉइस तो ज़रा चेकआउट कीजिए. ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि उसके अंदर ना वो डिसाइड करती गवर्नमेंट कि हम ये ग्रिल को गिरा देते हैं. तो अब जितने भी लोगों के लव लॉक्स वहाँ लगे हुए होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो बिलीफ ही यही होता है ना कि एज लॉन्ग एज द लॉक इज देयर और तो मोहब्बतें हमारी कायम है. और अगर वहाँ से लॉक हटा दिए जाएंगे तो ना एक वो साइन ऑफ अमन के कोई बदशगुनी का साइन हो जाएगा और एवरीबडी गेट स्कैड. और फिर इन द एंड ऑब्वियसली सब लोग बड़े वरिड होते हैं ना, सारे कपल्स जो उसमें दिखाए गए हैं जिनकी लव स्टोरीज दिखाई गई हैं, तो कुछ स्ट्रगल करते हैं कि वो अपना जो उन्होंने जवानी में कभी लगाए थे वहाँ पे लॉक को तलाश करने के लिए जाते हैं, किससे पहले कि गवर्नमेंट वो ग्रिल को काट के गिरा दे हम उस लॉक को निकाल लें. तो इसमें से एक बहुत ओल्ड सा कपल होता है, वो अपने मतलब उनका जो पार्टनर होता है वो नहीं रहता है, लेकिन अब जो नया पार्टनर उनकी लाइफ के अंदर आता है वो बड़ी मेहनत से जाके उनका वो लॉक तलाश कर लेता है और उनको मिल जाता है. अब जो एक और कपल होता है जो मेन मतलब हीरो हीरोइन है इस मूवी के, उनका भी लॉक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पानी में गिर जाता है, इंस्टेड ऑफ के वो ग्रिल के अंदर वो लॉक कर सके वो पानी में गिर जाता है. तो खैर, अब क्या होता है कि ये कपल सब सबके सब परेशान होते हैं कि अगर यहाँ से लॉक्स को हटा दिया गया तो क्या होगा, सब मोहब्बतों को क्या होगा. तो वहाँ पे मुझे एक पेंटर होता है, वो कहता है कि मोहब्बत इजहार के तरीके ढूंढ लेती है. अगर यहाँ से सिर्फ अगर एक ये इजहार का तरीका था, आवाम को यही मालूम था कि यहाँ पे आके हम लॉक लगा दें तो ही हमारी मोहब्बतें कायम रहेंगी, और अगर लॉक्स को हटा दिया जाता है तो लवर्स कोई और तरीका तलाश कर लेंगे. हाँ जी, ये होती है ना मतलब पावर ऑफ पॉजिटिविटी कि यू कैन ऑलवेज कम अप विद यू नो सम अदर आइडियाज टू एक्सप्रेस लव, टू शो लव. तो ये चीज़ें अपनी जिंदगी में जारी रखनी चाहिए हैं. देर आर ऑलवेज वेज फॉर लवर्स टू एक्सप्रेस देयर लव. वाओ, मतलब आज तो फुल मोहब्बत है वरा शो. अब क्योंकि इतना सब कुछ मैंने बात कर लिया, आपको इतना पॉजिटिव एनर्जी का डोज दे दिया, तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेस एपिडेमिक की. तो 21st सेंचुरी जिसके मिड में हम हैं, इसके बारे में WHO कहता है कि स्ट्रेस जो है इस 21st सेंचुरी का एपिडेमिक है, ये इतना खतरनाक है और हमें इसे किस तरह डील करना चाहिए है. अच्छा, फर्स्ट थिंग इज आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, रियली यू कैन नॉट एक्चुअली इग्नोर और लाई अबाउट इट. इफ़ यू रियली आर पासिंग थ्रू और कभी आपको ऐसे स्ट्रेस के एपिसोड्स आते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर अभी अनसेटल्ड है और वही आपकी जिंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असरअंदाज हो रही हैं, तो आपको उसको डील ज़रूर करना चाहिए. अच्छा, मेरे वो सारे फ्रेंड्स जो कि बहुत डीप स्ट्रेस और बहुत टफ सिचुएशंस से ऑलरेडी या तो गुजर चुके हैं. एक तो होता है ना, आपको पता है बहुत सारे, मैं अक्सर लोगों से ये बात कह रही होती हूँ कि एक 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 आदमी है वो हमेशा हर दौड़ हारता है, भागता है, रेस में हिस्सा लेता है और गिर जाता है, फेल हो जाता है. उसकी एक हिस्ट्री है फेल होने की, बट ही कीप्स ऑन ट्राइंग. अच्छा, एक एक दूसरा खिलाड़ी है, वो हर रेस में जीतता आया है. अब ये दोनों एक रेस में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं. तो एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा हारता आया है, उसके 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 जो विंग्स होते हैं ना थोड़े कमज़ोर हो चुके होते हैं, उसकी जो हिम्मत होती है ना थोड़ी सी, उस आदमी की निस्बत जो कि हमेशा विन करता आया है, उसकी उसकी निस्बत उसकी उसकी उड़ान में थोड़ी सी
कमी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो दौड़ नहीं सकता या वो जीत नहीं सकता और हमेशा हार उसका मुकद्दर ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, दोनों के स्पिरिट में थोड़ा डिफरेंस होता ही है, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आप कहीं गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा के लिए, यू नो, वंस अ लूजर ऑलवेज अ लूजर, नो इट्स नॉट लाइक दिस। और यू नेवर नो, बहुत सारे लोग सारी मतलब यू नो दौड़े जीतते आते हैं लेकिन एक्चुअल में ओलंपिक्स में जाके रह जाते हैं और जिनके बारे में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और वो जीत जाते हैं। तो हमेशा ऑब्वियसली पॉजिटिव ही सोचना चाहिए है। अच्छा जी, तो एक तो खैर आई थॉट बीच में थोड़ी सी ये बात भी हो जाए। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर स्ट्रेस की कोई हमारा जो फ्रेंड है वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ऑलरेडी गुजर के आया है और अब उसको जिंदगी में स्ट्रेस की एपिसोड्स आ रही हैं, तो कभी भी ये मत समझिए कि एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा, जिसकी जिंदगी से हादसा नहीं गुजरा है, वो अचानक से ना बिल्कुल हेल्दी पर्सन की तरह से बिहेव करना शुरू कर दे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो कि अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहते हैं, अपने फैमिली के किसी मेंबर को हेल्प करना चाहते हैं जो किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर चुका है या गुजर रहा है। तो उससे एकदम से प्लीज खुदा रहा एक्सपेक्ट मत कीजिए, उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए, यू आर ऑलवेज क्राइंग, यू आर ऑलवेज इन सैड मूड, व्हाई यू आर लाइक दैट, मतलब डोंट। उसको आपकी थोड़े से टाइम के लिए, नॉट फॉर वेरी लॉन्गर पीरियड, उसको बहुत थोड़े से टाइम के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से सपोर्ट चाहिए, टिल द टाइम जब वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी के लेवल्स को इंक्रीज नहीं कर लेता। तो जिस वक्त आपको वो सपोर्ट चाहिए ना, अगर आप उस वक्त उसको सहारा ना दें या उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें या फिर उसको मतलब दिस पर्सन ऑलवेज इज मेकिंग फेसेस सो बेटर कीप डिस्टेंस फ्रॉम, तो ऐसा करने के बजाय आप अगर उसको आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत दिलाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको उसके एनर्जी लेवल को बूस्ट करना शुरू करें, तो वन डे यू नेवर नो, वो कल को शायद आपको पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर दे, यू नेवर नो, यस इट इज लाइक दिस। अच्छा जी, तो हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। तो आज मैंने सोचा कि यू नो आई शुड लिटिल बिट टॉक अबाउट इट और आपको कुछ टिप्स दें, क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ हमारे यंगस्टर्स फेसबुक के ऊपर या फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे फोरम्स पे लिख रहे होते, बोल रहे होते, वो लोग इतनी उदास पोस्टें होती हैं, मतलब मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, या अल्लाह इस आदमी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसको क्या ऐसा गम है कि जो इतनी। पहले तो ऑब्वियसली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़े ना फन कमेंट्स दे दूँ कि यार चलो जस्ट चलाओ ठीक है, लेकिन कुछ लोग वाकई में मुस्तकिल मतलब यू नो अंदर से ना वो वॉल्केनो की तरह इरप्ट होता रहता है एक के बाद एक के बाद एक, और आपको उनकी पोस्टें पढ़कर लगता है या अल्लाह पता नहीं इस बेचारे को क्या, या इस बेचारी को क्या हो गया, ये क्यों इतना परेशान है। मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में उदास रहने, गमजदा रहने के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक नेमत दी है और ये एक नेमत है, उसको नेमत की तरह खुश रहकर गुजारिए, उसकी शुक्रगुजारी में गुजारिए। आप देखिए ना, आप उदास रह के अल्लाह ताला को ये बताना चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा नहीं मिला है या फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ही नहीं हैं और आपको ऐसी ज़िंदगी अस्तग़फ़ार मिली है कि जिसके अंदर सिर्फ गम है और आपने गमजदा ही रहना है और आपने गमजदा मतलब लोगों को भी गमजदा रखना है, कम ऑन यार, कम आउट ऑफ इट ऑल। तो यस, यू शुड फर्स्ट फाइंड आउट द कॉज, द वेरी फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डीलिंग विद द स्ट्रेस इज फाइंड आउट द कॉज। बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं कि वो किस वजह से ट्रिगर होता है। अक्सर ये देखने में आया है कि ये स्ट्रेस जो आता है हेल्थ सिचुएशंस की वजह से या फिर ब्रोकन रिलेशनशिप्स की वजह से आता है या फिर फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से आता है। ये तीन फैक्ट्स हैं, बट स्टिल अगेन बहुत सारे लोग इन चीज़ों से डील करते हैं, लेकिन वो लोग जो डील करते हैं और इसमें से यू नो दे मैनेज टू ओवरकम, उन्हीं की ज़िंदगी जो है वो मजीद बेहतरी की तरफ जाती है। आप रो रो के इसी बात को, यू कैन नॉट यू नो लिव योर लाइफ दैट वे। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं एक छोटी छोटी सी टिप्स देती हूँ, और ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैं कोई भी चीज़ अपने फ्रेंड्स या लिसनर्स के साथ शेयर कर रही होती हूँ, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं खुद भी अप्लाई करूँ एंड देन ओनली आई टेल। तो आप जब स्ट्रेस से डील कर रहे हों या फिर आपको किसी की हेल्प करनी हो स्ट्रेस से डील करने के लिए, तो उसमें कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। वन इज मेडिटेशन, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ, यू शुड मेडिटेट। आपका जो इबादत होती है ना वो भी मेडिटेशन है। लेकिन जब आप इबादत, आपको पता है जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वो भी एक मेडिटेशन है। अब आप जब नमाज आप अदा करें इसके तमाम तकाज़ों के
हिसाब से, तभी आपको उसकी एडजस्ट मिलेगी। आपको पता है जब हम सजदे में जाते हैं तो इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, बाकायदा इसके ऊपर तजर्बात हुए हैं और इसकी असेस्ड रिपोर्ट्स भी हैं, जिसके अंदर पता चलता है कि जब इंसान सजदे में जाता है तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब मैं थोड़ा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज में तो नहीं जाऊँगी, तो ये जब हम सजदे में ज़मीन पर अपना सर रखते हैं तो वहाँ से ऐसी वाइब्स निकलती हैं जो कि पूरी बॉडी को हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज आपकी बॉडी के अंदर फिल अप करती हैं। अब अगर आप सजदा, आप बड़ी जल्दी में, आपको आप ऑफिस में हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, तब टक 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 सजदे मारे और खड़े हो गए, भाई फर्ज तो पूरा हो गया, आपको सजदे का जो का मजा आएगा ही नहीं जब तक कि आप उसके पूरे पूरे लवाजमात के साथ, जस्ट इमेजिन आप किसके सामने बो डाउन कर रहे हैं, आप किसके सामने सजदा कर रहे हैं, जब आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं ना और आप अपना सजदा करते हैं और फिर वो फील करते हैं कि आप कितने करीब हैं उस ज़ात के जो आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती और जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना सर से पैर तक आपको वो हील कर देता है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हीलिंग मैकेनिज्म। 5 दफ़ा हमें ये डोज मिलता है दिन के अंदर, कोशिश कीजिए इन 5 अवकात को मजबूती से थाम के रखें। स्ट्रेस तो मतलब किधर चला जाएगा, किस गली से निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और अगर आता भी है तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट इजीली। अच्छा जी, और दूसरा ये कि आपने अपने दिन को स्केड्यूल करना है। जी जनाब, वो लोग, अच्छा आप देखेंगे जो डिप्रेस्ड होते हैं या परेशान होते हैं या स्ट्रेस के अंदर होते हैं, वो उनका दिन बड़ा हैफजर्ड गुजरता है। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट कि अपने दिन के ऊपर उनको कंट्रोल नहीं होता है। तो यस, वील कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दिस, एंड मैं चाहती हूँ आपका थोड़ा सा एक बड़ी मजे का सॉन्ग है, यू वुड लाइक इट, जस्ट लिसन टू दिस। बात करना चाहती हूँ जो अपने ब्रोकन रिलेशनशिप्स की वजह से स्ट्रेस में है।
आप यस डेफिनेटली आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो और वो पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं रहता है किसी भी वजह से, नॉट नेसेसरली कि लाइक यू नो हो सकता है कि शायद द पर्सन यू नो दिस इज सो मच पॉसिबल. आपको ये एक एक फिनोमेना है समझने की जरूरत है. पीपल डू फॉल आउट ऑफ लव, दैट्स परफेक्टली फाइन. अब आप कोई आपसे बहुत ज्यादा शदीद मोहब्बत करता है और अचानक से वो मोहब्बत नहीं करता है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको मार मार के इस बात पे राजी नहीं कर सकते, नहीं मुझे अब भी मोहब्बत करो, इट्स फाइन. अगर कोई अपना रास्ता बदलता है, बदलना चाहता है, इट्स फाइन, लेट द पर्सन गो. आप उसको बहुत खुशी से भी बाय बाय कर सकते हैं. जरूरी है कि आपने अपनी तमाम अच्छे दिनों को बिना एक बिटर नोट के ऊपर खत्म करना है, इट्स फाइन. अगर वो पर्सन नहीं आपके साथ अब वो फील करता, तो वैसे भी क्या आपको नहीं लगता कि क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे जो आप जिसके लिए आप अनवांटेड हो? ऑब्वियसली नॉट. आपने जितना अच्छा, क्या हम इसको इस तरह भी तो ले सकते हैं ना कि यू आर यू शुड बी थैंकफुल कि आपकी जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत मोहब्बत का जज्बा आया एंड यू कंटिन्यूड, आपने बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई. ठीक है, अब अगर वो एंड हो गया है, इट इज फॉर द टाइम बींग. ऑब्वियसली हर एक को बींग ह्यूमन हम सब डेलिकेट होते हैं और फील होता है, लेकिन आपको इस रिश्ते को ये भी तो सोच के ख़त्म कर देना चाहिए ना कि मैं इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि कम अज़ कम मुझे इतने अच्छे दिन मिले, एक ऐसा शख्स जिसे वाकई में मैंने दिल से चाहा वो मेरी ज़िंदगी के अंदर आया. तो यू शुड बी थैंकफुल अबाउट दैट. आपको बजाय सिर्फ नेगेटिव या बिटर सोचने का ही क्या ज़रूरत है, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि आई एम थैंकफुल कि कम अज़ कम वो दुनिया में एग्जिस्ट तो करता है, उसने मुझसे कभी तो मोहब्बत की और कभी मैंने भी उसी से मोहब्बत की और हमने इतनी अच्छी मेमोरीज बनाई. अगर ऐसा होता कि वो कभी हमें मिलता ही नहीं, कभी हमने उसके साथ कोई मेमोरीज ही नहीं बनाई, तो उससे बेटर तो ये है ना कि वी डिड सी सम गुड टाइम टुगेदर. आप इस तरह भी तो सोच सकते हैं चीज़ों के बारे में. हमें सिर्फ चीज़ों के बारे में परसेप्शन तब्दील करना होता है, सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. अच्छा जी, तो खैर ओके, हम बता रहे थे कि आप स्ट्रेस रिलीव किन चीज़ों से हो सकते हैं. वन इज़ आई टोल्ड यू मेडिटेशन, सेकंड इज़ स्केड्यूल योर डे. जब आप अपना दिन प्लान कर लेते हैं ना हमेशा, अच्छा मेरी ये शुरू से आदत है कि लाइक अ डे बिफोर मैं रात को जैसे मतलब इफ आई हैव समथिंग, तो मैं रात को क्या करती हूँ कि मैं पूरा दिन स्केड्यूल कर लेती हूँ द कमिंग डे और लाइक आफ्टर डू दिस आफ्टर डू दिस और फिर स्केड्यूल के हिसाब से चलती हूँ. आप जब आपके पास स्केड्यूल पे आपने हर एक आइटम को टाइम एलोकेट कर दिया होता है ना, तो यकीन मानिए आपको ज़रा थोड़ा कम ही टाइम मिलता है डीरेल होने का. आप ट्रैक से ना उतर कर स्ट्रेस की तरफ कमी जाते हैं. जब आपको पता है मुझे ये काम करना है ये काम करना, ये तो आपका जहन जो है ना वो एक साइकिल के अंदर आ जाता है, तो वो आपको स्ट्रेस की तरफ नहीं लेके जाता. लेकिन अगर आता भी है ना, तो आपके पास अगर यू शुड हैव प्लानर ऑन योर फोन इफ यू डोंट हैव. अगर जो लोग इस तरह की अल्लाह ना करे किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि वो अपने फ़ोन के ऊपर एक ऐसा प्लानर ज़रूर डाल के रखें जिसके अंदर अपना डे स्केड्यूल करें और उसमें हर टास्क को अपना टाइमर लगा दें और वो आपको पॉपअप आना चाहिए मैसेज का. लाइक आई डू रिसीव मैसेज कि मुझे ये करना है, ये मुझे करना है, तो मुझे इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ों के सोचने का टाइम ही नहीं मिलता. आई नो कि अब ये टाइम हो गया इसके करने का, तो आपका एक साइकिल के अंदर चलता रहता है, तो आपका दिमाग भी ठिकाने पे रहता है. तो इट्स अ वेरी गुड ट्रिक, तो यू शुड डू दैट. अच्छा, यहाँ आप अपने माइंड के साथ ट्रिक कर रहे हैं, अपने माइंड के साथ आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ जाने का. इट रियली डज वर्क. वन इज मेडिटेशन, सेकेंड इज स्केड्यूल योर डे. अच्छा, थर्ड स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए जो कि एक्सेलेंट वंडरफुल वर्क करता है, वो ये है कि यू स्पेंड 5 मिनट्स विद समवन यू लव, यू रियली लव. आप सिर्फ 5 मिनट अपनी दिन में से एक ऐसा आदमी के लिए जरूर निकालें जिससे आप मोहब्बत करते हैं. आपको पता है जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, तो वो उनके उनसे पॉजिटिव वाइब्स रिलीज होती हैं और वो पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं ना, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही होती हैं. तो यू मस्ट स्पेंड एट लीस्ट 5 मिनट्स, कम ऑन, नॉट अ बिग डील, बट दोज 5 मिनट्स शुड बी विद दैट पर्सन ओनली. इट शुडंट बी लाइक आप फोन पे लगे हुए या आप एक दूसरे के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं. नो, इट्स नॉट दैट. जस्ट विद द पर्सन, टॉक टू दैट पर्सन, बी विद दैट पर्सन. इवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग, जस्ट सिट विद दैट पर्सन क्वाइटली, बट डू नॉट डू एनी थिंग. दोज 5 मिनट्स शुड बी डेडिकेटेड फॉर योर लव्ड वन ओनली. इट्स अ वेरी इट हैज़ अ वेरी हीलिंग इम्पैक्ट. अच्छा, उसके बाद एक और जो चीज़ है जो कि आपके स्ट्रेस को बहुत हद तक रिलीव देती है, वो ये कि यू शुड स्पेंड टाइम इन नेचर. अच्छा, कहा जाता है कि आप जब इस तरह की कोई थेरेपीज कर रहे होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ थेरेपी कि जब आप थेरेपी कर रहे होते हैं, तो जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, तो मेक श्योर कि मगरिब से पहले का टाइम हो. इट शुड नॉट बी आफ्टर मगरिब.
आप नेचर के साथ टाइम गुजारिए, लेकिन मगरिब से पहले तक का. यस, देर इज सम फिनोमेना अबाउट इट. एक इसकी खास वजह है कि क्यों आपको मगरिब से पहले नेचर में जरूर टाइम स्पेंड कीजिए. अर्ली मॉर्निंग टाइम दी सुपर बेस्ट. और अगर आपको अर्ली मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मुझे पता है जो ऑफिस गोइंग होते हैं या दे कैन नॉट स्पेंड टाइम टेक आउट टाइम टू स्पेंड इन नेचर ड्यूरिंग द अर्ली डेज. बट मेक श्योर कीजिए कि कम अज़ कम मगरिब से पहले आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आधा घंटा 30 मिनट्स, दैट्स इट, 30 मिनट्स आप प्योर नेचर के अंदर, जिसमें आपके पास मोबाइल नहीं होगा, आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा, आपका टैब नहीं होगा, कुछ नहीं, इट इज़ जस्ट यू आर आप यू कैन गो टू द पार्क, इवन इफ देयर इज यू आर नॉट, आप नहीं बाहर जा सकते हैं, तो जस्ट सिट इन द गैलरी. और आप किसी क्लोज एनवायरमेंट में कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे थोड़ा भी आपको नेचर, आसमान, खुला आसमान देखने का मौका मिले. आप छत पर चले जाइए, आप टेरेस पर चले जाइए, आप अपने बालकनी में चले जाइए, आप अपनी विंडो में खड़े हो जाइए, जस्ट 5 मिनट्स. ओके, जस्ट 5 मिनट्स आपने थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना है. फिर उसके बाद यू फील द नेचर, यार वाओ कितने खूबसूरत. आपने हर चीज़ को एब्जॉर्ब करना है. टोटल 30 मिनट्स, बिलीव मी, इतनी ज़बरदस्त थेरेपी होती है ना ये, कि आप एकदम से अपने स्ट्रेस को भूल जाएं. तो 30 मिनट्स आपको नेचर के साथ गुजारने हैं, बट बिफोर मगरिब टाइम. अच्छा जी, एक और चीज़ जो बहुत बहुत हीलिंग होती है, आपको पता है ना कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो बहुत जो एक वो खुशी की फीलिंग आती है ना, वो कभी भी अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करने से नहीं आती हैं. तो मेक श्योर कीजिए कि आप किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कीजिए. बिलीव मी, इट रियली वर्क्स लाइक अ वंडर इन योर लाइफ. आप किसी रोते हुए आदमी को हंसा दें, आप किसी परेशानी में मुब्तला इंसान को उस परेशानी से निकालने का सबब बन जाइए, आप किसी किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखा दीजिए, आप कोई ऐसा इंसान जो कि किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर है, जितनी भी पॉसिबल हो आपकी कैपेसिटी में हो, आप उसकी मदद कर दीजिए. यकीन कीजिए खुद ब खुद हीलिंग पावर जो है ना, वो आपकी तरफ आपका रुख कर लेगी और आपको हील करना शुरू कर देगी. एंड स्लोली ये जो स्ट्रेस है ना, कहाँ भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. तो जनाब, आज तो बड़ा अच्छा लेक्चर वाला शो हो गया. आई होप यू डिड लाइक एंड एंजॉय दिस शो. और आई वुड लाइक टू से गुड बाय टू यू फॉर टुडे. इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी 8 से 10. यू हैव टू ट्यून इन माय चैनल. अच्छा, वो मेरे तमाम फ्रेंड्स जिन्होंने शो का कुछ पार्ट मिस कर दिया है, तो वो मेरा ये शो सुन सकते हैं जस्ट इन फ्यू आवर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल. और आप में से वो तमाम जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी लाइक्स और कमेंट्स को देखकर. और सब्सक्रिप्शन की तादाद जब बढ़ती है तो फिर आपको पता ही है ना, उसकी तो अलग ही खुशी होती है. तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और आप लोग तो हमेशा मेरी दुआओं में रहते ही हैं. टिल टुमारो, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस. एंड आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर विद दिस सॉन्ग. बाय बाय. किनारा ये चंचल हवा, दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा.
किनारा ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। कभी हम न होंगे जुदा।